नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दरिंदों में नहीं फांसी का खौफ, लिफ्ट देने के बहाने छात्रा को किया अगवा, बंधक बना करके हवस का शिकार बनाया। जी हाँ, महिला अपराध पर अंकुश लगने के लिए सख्त कानून बनने के साथ ही नाबालिग से दुराचारियों को फांसी की सजा भी दरिंदों में खौफ पैदा नहीं कर सकी। हम बात कर रहे हैं कोसली थाना क्षेत्र के गांव कक्षा 12वीं की एक छात्रा ने अपने ही एक गांव में परिचित युवक पर बाइक पर घर छोड़ने के बहाने बंधक बना करके दुराचार करने का आरोप लगाया। छात्रा के अनुसार वह सोमवार को कोसली सेंट्रल बैंक में अपनी पासबुक अपडेट करवाने गई थी, जिसके तुरंत बाद वह कोसली बस स्टैंड की ओर चली गई, जहां पर परिचित देवदत्त बाइक लेकर के आया और घर छोड़ने के बहाने उसे भूरथला गांव ले गया, जहां पर उसे पूरी रात एक घर में कैद रखा गया और उसके साथ दुराचार किया गया। लेकिन इस बीच उसने उसके चंगुल से निकलकर भागने का प्रयास भी किया। सुबह जब देवदत्त सो रहा था तो वह किसी तरह से घर से भाग निकली और अपने पिता को फोन किया, जिन्होंने तुरंत बाद पुलिस से संपर्क साधा। आरोपी इस समय फरार चल रहा है। वहीं पुलिस ने छात्रा के बयान पर 4 पॉक्सो यौन शोषण सहित अनेक विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। आप देख रहे हैं पल पल रेवाड़ी से महेंद्र भारती की विशेष रिपोर्ट। ये परसों शाम को थाने के अंदर सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की है जो थाना क्षेत्र में रहती है और वो घर से गायब है, तो उसके ऊपर FIR दर्ज की और उसको कल बरामद किया गया। बरामद करके और उसके माननीय न्यायालय के अंदर 164 CRPC के तहत बयान कराए गए। बयान के अनुसार धारा 4 पॉक्सो एक्ट जो है इसमें लगाई गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उसका एक दिन का रिमांड हिरासत पुलिस लिया गया है और इस मामले में अभी पूछताछ की जा रही है।